हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का सुमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए ऐसी गजब की किचन टिप्स लेकर आई हूँ कि चिमटे से आपके बहुत ज़्यादा पैसे बच जाएंगे एक चिमटे का यूज़ करके। और इतने बढ़िया बढ़िया टिप्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपके डेली के काम बहुत आसान होने वाले हैं। अगर टिप्स अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करना, और आप लोगों को जो भी टिप्स पता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी आपके नाम के साथ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारी पहली किचन टिप्स से, जो कि बहुत ही काम आने वाली है। हम आलू के पराठे बनाते हैं लेकिन हमको बनाना नहीं आता। पहले मैं बनाती थी तो बहुत ही ज़्यादा आलू के पराठे फट जाते थे, सही नहीं बनते थे। तो इसका राज क्या होता है, आलू के पराठे बनाने का सही तरीका क्या होता है, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले तो जो आलू का भरता होता है वो ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। अगर हम पराठे थोड़े समय बाद बनाते हैं ना तो नमक उसमें तुरंत के तुरंत ही मिलाना चाहिए, नहीं तो नमक पहले मिला के रख देते हैं ना तो उससे क्या होता है कि नमक अपना पानी छोड़ देता है ना, तो आलू का जो भरता होता है वो एकदम पतला सा हो जाता है, जिससे कि आटे के बाहर निकलने लगता है। और ये भी है, जब हम आटा लगाएं ना पराठे के लिए तो आटा हमको एकदम टाइट नहीं लगाना, जितना हो सके उतना ढीला लगाना। और इस तरीके से लोई बनानी है और उसके अंदर इस तरीके से आलू फिल करना है। ये देख लीजिए, बिल्कुल बेलने में दिक्कत नहीं होगी और बिल्कुल सेकने में दिक्कत नहीं होगी। और बहुत लोग बोलते हैं कि मैं आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो बीच में आटे की गांठ जैसी पड़ जाती है, बीच में आटा रहता है और मेरे पराठे फूलते नहीं हैं। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ इसी तरीके से आप लोई बनाना और उसमें आलू जितना फिल हो सके उतना कर लेना, फिर उसके बाद इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से बेलना है। ठीक है, ये देख लीजिए इस तरीके से इसको बेलना है। तवा हमारा गर्म हो गया है और ये फूलेगा पराठा, दोनों साइड से इतना बढ़िया फूलेगा जैसे रोटी होती है ना, रोटी के पल अलग हो जाते हैं ना, वैसे इसी के भी फूलेंगे। तो ये देखना, ठीक है। तो और फिर एक और आप लोगों को लोई बना के दिखाती हूँ कि बहुत लोग थोड़ा बेल लेते हैं लोई के ऊपर, उसके बाद आटा मतलब उसके बाद आलू भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको इसी तरीके से लोई बनानी है, ये देख लीजिए मैं बना रही हूँ इस तरीके से, और इसके अंदर फिर भरना है आलू। तो चलिए दिखाते हैं अभी आप लोगों को, इसको पलट देते हैं और इसमें भरते हैं आलू किस तरीके से, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो इस तरीके से हम इसमें भरेंगे आलू, ये देख लीजिए। मैं खूब ज़्यादा ज़्यादा आलू भरती हूँ क्योंकि आलू के पराठे हैं तो आलू तो ज़्यादा भरने ही पड़ेंगे तो ही टेस्ट आएगा। देखो, ज़्यादा मुझे पराठे बनाने नहीं थे, 6 से 7 पराठे बनाने थे तो आलू बहुत ज़्यादा ज़्यादा मैंने भरा। तो इस तरीके से इसको धीरे धीरे करते करते हमको पूरी पोटली जैसी बना लेनी है इस तरीके से, एकदम नहीं करना है, आराम आराम से करना है तो आराम से बन जाएगी, फटेगी भी नहीं इस तरीके से। ठीक है, धीरे धीरे इसको बंद करना है। अगर ज़्यादा आटा है तो आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं है तो हम उसी में कर देंगे थोड़ा सा, और इसको इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से बेलना है। तब तक हमारा पहला वाला पराठा हो चुका है तो हम उस पर लगा देंगे घी। तो सेकने का भी एक तरीका होता है कि दोनों साइड से थोड़ा अच्छे से सेक जाता है, उसके बाद ही हम घी तेल जो भी आप रिफाइंड लगाना चाहते हो उसके बाद ही लगाना। तो अभी आप देखोगे कि एकदम इतना मतलब फूला फूला पराठा अलग ही दिखता है, और जो चुपका चुपका सा होता है ना वो अच्छा नहीं लगता, और वो अंदर से पकता भी नहीं है, जो फूल जाता है ना वो अंदर से अच्छे से पक जाता है। तो ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा हमारा पराठा कितना बढ़िया फूला सा। ठीक है, आप लोगों को बता दीजिए कैसी लगी टिप्स, अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताना। बढ़ती नेक्स्ट टिप्स की ओर, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड कि हमारे जो नेल्स होते हैं हम बहुत कोशिश करते हैं बढ़ाने की मगर वो बढ़ती ही नहीं है, क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होते हैं वो तो सारे दिन काम करते रहते हैं, कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा, जिससे कि ज़्यादातर हमारे हाथ जो भीगे हुए होते हैं ना तो उससे नाखून जल्दी टूट जाते हैं। तो हम किस तरीके से बढ़ाएं, बढ़ाने का तो सबको ही शौक होता है। तो हमें क्या करना, हमें लेना है एक लहसुन की कली और इसके करने हैं दो टुकड़े। दो टुकड़े करने के बाद इस तरीके से हमें नाखूनों पर रफ कर देना है। दिन में 2 या 3 बार आप करोगे इस तरीके से तो आपके नेल्स बहुत जल्दी बढ़ने लगेंगे और टूटेंगे भी नहीं। मैं तो ऐसे ही करती रहती हूँ, जब मेरे पास टाइम होता है मुझे नाखून बढ़ाने की ज़रूरत होती है ना तो मैं 8 दिन इस तरीके से लगा लेती हूँ ना लहसुन का रस्से को, तो नाखून हमारे बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं। डेली में तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि नाखून बढ़ा तो लेते हैं, उनके केयर करना भी ज़रूरी होती है जो कि हम हाउसवाइफ नहीं कर पाते हैं, अपना जो घर का काम होता है हाथ पानी में रहता है सारा दिन तो नहीं हो पाता। तो जल्दी बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की, और जो हम बर्तन धोते हैं ना हमारे गाँव में तो साबुन से ही बर्तन धोते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा का पूरा साबुन होता है ना उसको हमें बर्तन धोने वाली कटोरी या फिर बास कुछ भी हो उसमें डाल लेते हैं,
तो वो पूरा साबुन घुर के बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, साबुन के या तो दो टुकड़े कर लो या चार टुकड़े कर लो और फिर एक एक करके उसका इस्तेमाल करो। इस तरीके से क्या होगा कि साबुन बर्बाद नहीं होगा, गीला नहीं होगा, पूरा घिस के बर्बाद नहीं होगा। तो टिप्स कैसी लगी ज़रूर लाइक करना, वीडियो ज़रूर बता देना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। हमारे पास मैं लेकर आई थी आज जो ब्रेड होती है, ब्रेड का पैकेट, तो इतनी ब्रेड बच गई थी। तो इनको मैं इसी तरीके से खुला रख देती हूँ ना, तो ब्रेड जो ऊपर की एक तो ब्रेड होती है ना एकदम कुरकुरी और सूख जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती खाने में। तो हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से, छोटा पैकेट है तो इसको रखना बहुत दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम इसी तरीके से रखेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको थोड़ा सा ऐंठना है और उसके बाद इस तरीके से उस पर डबल करके इस तरीके से कर देना है। इससे क्या होगा, बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं जाएगी और आपकी जो ब्रेड है ताज़ा की ताज़ा ही रहेगी। चाहे तो आप इसको इस तरीके से रखकर फ्रिज में भी रख सकते हो, मैं तो बाहर ही रखूँगी तो भी ये ऐसे ही बनी रहेंगी फ्रेश, बिल्कुल भी हवा नहीं जाएंगी, ना सूखेंगी ना ख़राब होंगी। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से रखती हूँ ब्रेड को, आप किस तरीके से रखते हो वो बता दीजिए। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, हम जो मसाले के जो पाउच होते हैं, पाव भाजी के मसाले, मंचूरियन का मसाला, मतलब कोई भी छोले भटूरे का मसाला, पनीर का मसाला, पैकेट तो हम ले आते हैं, लेकिन उसके जितने पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते, थोड़ा बहुत बच जाता है तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और फिर क्या होता है कि वो फैलता रहता है, बर्बाद हो जाता है, या फिर उसमें कीड़े घुस जाते हैं तो बर्बाद हो जाता है। हम बहुत लोग इसी तरीके से रख देते हैं लेकिन वो फिर खुल जाता है, फिर मसाला फैलने में लगा रहता है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जिससे कि आपके सारे जितने भी पड़ी के होने सब घर पे ही सील हो जाएंगे, यानी कि पैक हो जाएंगे। चमीटे का इस्तेमाल करके हम सारे पाउचों को करेंगे सील। तो ये देख लीजिए, हमको अच्छे से करना है चिमटे को गर्म। आपने कभी इस तरीके के चिमटे का इस्तेमाल किया नहीं किया ना, तो आप करना सीख लीजिए। कोई भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको पैक करके रखना होता है, मगर क्या करें, हमारे पास मशीन नहीं होती तो हम कैसे करें। तो ये देख लीजिए खुला हुआ है, तो इसको इस तरीके से हम चिपकाएंगे, देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको पकड़ लेना है दोनों साइड से चिमटे के अंदर, तो ईजिली चिपक जाएगा, बिल्कुल खुलेगा नहीं। अभी आप लोग कितना भी बड़ी थैली हो आप उसको चिपका सकते हो। तो ये देख लीजिए बिल्कुल भी खुल नहीं रही है और बहुत अच्छे से चिपक गई है, ये खुलने वाला नहीं है मसाला। तो आप इसको इस तरीके से हमेशा रख सकते हो, मसाला नहीं फैलने वाला है, ना इसमें कुछ घुसने वाला है, ठीक है। मैं तो हमेशा ऐसे ही रखती हूँ, आप कैसे रखती हो मुझे ज़रूर बताना। तो बढ़ते हैं न, अगर आप लोगों को मेरी टिप्स आज की अच्छी लगी हो, कौन सी टिप्स अच्छी लगी है वो ज़रूर बता देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, या फिर नहीं अच्छी लगी तो भी कोई बात नहीं, तो भी आप बता देना। और इस चिमटे वाली टिप्स कैसी लगी ज़रूर बताना, ठीक है। और मैं आप लोगों से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी अच्छी टिप्सों के साथ, जो कि आप लोगों की डेली मरे जो डेली के काम होते हैं वो बहुत ईजी हो जाएंगे आपके लिए करना, और जो काम मुश्किल भरे होते हैं बहुत समय लगता है उनको भी आप फटाफट चुटकियों में कर पाएंगे मेरी टिप्स देखकर, मेरी वीडियो देखकर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।